माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, सुबह सुबह की राम राम। मंगल मार्गी हो गया है, मंगल की चाल बकरी थी, अब मार्गी हो गई है, और यह मार्गी मंगल आपको क्या लाभ हानि देने वाला है ये सुनिए और अपना समय प्लान कीजिए। इसके साथ साथ परवरिश टिप और बाकी सारी बातें तो होंगी ही होंगी, तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मंगल मकर में 6 नवंबर तक रहने वाला है, अब ये मार्गी गति से चलेगा। वक्र गति से जब मंगल चल रहा था, चलने से पूर्व मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, आशा करता हूँ कि आपने उपायों का पालन किया होगा और परेशानियों से काफ़ी हद तक बचे होंगे। 6 नवंबर तक मंगल से आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये राशिवार जानिए। मेष राशि के लिए अब से 3-4 महीने पहले तक जो कार्य रुके हुए थे, अब से लेकर 6 नवंबर तक वो कार्य बन सकते हैं, इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, फिर से जुटिए। यदि पिता प्रतिष्ठा पैसा व्यापार इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी या प्रमोशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो रास्ते खुल सकते हैं, इसलिए आज से लेकर 6 नवंबर तक लगातार आप मेहनत कीजिए, ज़रूर लाभ होगा। हनुमान जी का जप किए जाइए, लाभ होगा। लाल कपड़े का दान ज़रूर कीजिएगा कभी कभी मंगलवार के दिन, और एक लाल रंग का धागा आज अपनी दाहिनी कलाई में ज़रूर बांध लीजिएगा। बस चलिए आगे, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपका मंगल अभी उग्र है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप चिंता मुक्त हो जाइए, लेकिन अब से 6 नवंबर तक समय उत्तरोत्तर बेहतर होगा और यह आपके भाग्य संबंधी बेहतर परिणाम देगा। हाँ, कुछ जीवन साथी यदि आपके हैं तो जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, घर के पशुओं को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि बढ़िया है इसलिए अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। बस थोड़ा सा ध्यान माता पिता की सेहत के प्रति जरूर आपको रखना होगा ज्यादा। उपाय क्या करेंगे, माँ काली की या माँ दुर्गा के किसी भी रूप की उपासना करना शुरू कर दीजिए और देखिएगा समय अनुकूल हुआ है और ये समय आपको विजय दिलाएगा, ये समय आपको तरक्की देगा। मिथुन राशि वाले लोगों को ये मंगल थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कारण क्या है, यदि आपका प्रेम संबंध चल रहा है, कहीं विवाह करना चाहते हैं या विवाह हो गया है और अभी हुआ है, विवाह हुए अभी 1.25 साल ही हुआ है, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत धैर्य से 6 नवंबर तक का समय निकालना होगा, नहीं तो किसी के इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, अगर उनकी कमर में पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा सा वह शरीर का ध्यान रख लीजिएगा, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। कोई बहुत विशेष परेशानी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो करना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना बेसन की मिठाई कुछ भी हो सकती है, वह ज़रूरतमंद लोगों को देना शुरू कर दीजिए। ठीक कब तक, 6 नवंबर तक, और मान लीजिए आप कहते नहीं रोज़ाना नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मंगल के मंगल कर दिया कीजिए, कितनी भी कर दीजिए। आप कहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा किसी कारण, तो बेसन का पैकेट खरीद लीजिए और मंगल के मंगल उसको किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। मकर राशि के लिए विवादों का समय यदि चल रहा था तो वो बेहतर होगा, शत्रु मित्र भी बन सकते हैं, शत्रु परास्त भी हो सकते हैं, वाद विवाद में विजय होगी, लेकिन ग्रस्त जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान दें। खास तौर से आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं तो विशेष रूप से उनका ध्यान आपको रखना होगा। भाग दौड़ अचानक बढ़ सकती है, तनाव भी अचानक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी कार्य आपके अब पटरी पर आएंगे, बेहतर होंगे, परंतु सेहत गड़बड़ा रही है, इसका बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, बहुत सात्विक जीवन जी, पहली बात। दूसरा कार्य क्या करेंगे, रोज़ाना पशुओं की खिदमत करें, और तीसरा काम ये करेंगे कि ओम अंग अंगारकाय नमः का जप अवश्य कर लिया करें, सुबह कर लें रात कर लें, लेकिन कर ज़रूर लिया कीजिए रोज़ाना। लाल वस्त्र और ग्रे कलर के कपड़े पहनना थोड़ा अवॉइड करें। सिंह राशि के लिए ये मंगल का मार्गी होना बहुत अच्छा है, आपके शत्रु समाप्त तो होंगे, शत्रु मित्रवत बन सकते हैं, रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, प्रमोशन आदि भी आपका आगे
बढ़ सकता है। आशाओं का संचार होगा, 6 नवंबर तक का समय आपका अच्छा है, आप रिस्क लेके आगे बढ़िए। यदि आप निवेश वगैरह भी करते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। हाँ, उतार चढ़ाव मार्केट में बहुत होगा, ये ध्यान रखें, लेकिन आपके कार्य बनेंगे। परेशानी जब हो तो एक काम कर लिया कीजिएगा, आप मिश्री या बताशे, बेसन की मिठाई, लाल वस्त्र या फिर श्रृंगार का सामान यह मंदिर में दे दिया कीजिएगा, बस सब ठीक होगा। या एक नियम ही बना लीजिए ना, 6 नवंबर तक की तो बात है, नियम बना लीजिए, लाभ होगा। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि सिंह राशि के वो लोग हैं जिनका विवाह 6 नवंबर से पहले होना है, तो एक काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः के 51,000 जप जरूर कर लीजिएगा, स्वयं कीजिएगा, लाभ होगा, परेशानियों से बच जाएंगे। कन्या राशि की बात करते हैं तो ये मंगल आपकी पढ़ाई में, आपके प्रेम में, आपकी यात्रा में, आपके पेट में, आपकी कमर में, आपके मित्रों में, आपके वाहन में, आपके पढ़ाई लिखाई की डिग्रीज में कहीं कोई बाधाएं आ रही थी तो वह अब ठीक होंगी और 6 नवंबर तक आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसलिए अब निराशा तज दीजिए, गहरी सांस, लंबी सांस भर के और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए, 6 नवंबर तक कुछ अच्छा हासिल हो सकता है। खास तौर से वो लोग जिनके भाई बहनों से झगड़े चल रहे थे वह ठीक हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, अगर कुछ परेशानी महसूस करें तो आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिएगा, उसमें रोली चावल और थोड़ी सी शक्कर जरूर घोल लिया कीजिएगा, बस जी सब ठीक करेंगे। तो ये तो मैं आपको बता रहा था मंगल के मार्गी होने से मेष राशि से कन्या राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा। आशा करता हूँ इन प्रभावों को आपने समझ लिया होगा, उपायों को आपने समझ लिया होगा, जो सावधानी आपको बरतनी है उन्हें समझ लिया होगा। अब आज मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का क्या हाल रहने वाला है वो सुनिए। मेष राशि, ये दिन आपके लिए ठीक है, जमकर मेहनत करने से आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन बड़े निर्णय अकेले मत लीजिएगा। उपाय क्या कर रहे हैं, दिन को बेहतर बनाने के लिए काले वस्त्र का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कमजोर है लेकिन कुल मिला के दिन अच्छा है, इसलिए आप चिंता ना करें, भाग्य पक्ष प्रबल है, मेहनत से आगे बढ़े, आपका कार्य बनेगा। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान जरूर करिएगा। मिथुन राशि, दोपहर तक का समय थोड़ा प्रतिकूल है, इसलिए दोपहर तक बहुत संभल के निकालने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद समय अनुकूल होगा। इस दिन अपने पेट कमर का ध्यान रखें और वो लोग जिनको हृदय की कहीं कोई समस्या, रक्त संबंधी कहीं कोई समस्या, सरदर्द की कोई समस्या है, वह लोग सावधानी पूर्वक में परहेज करें। उपाय क्या करना है, ओम हंग हनुमते नमः का जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करें। कर्क राशि, घर में कोई वाद विवाद ना हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोग को नाभि या मूत्र संबंधी कोई दिक्कत रहती है वह लोग भी विशेष रूप से अपना ख्याल रखें। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, कहीं कोई विशेष निर्णय ले रहे हैं तो अकेले ना लें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दें। एक व्यथा लेते हैं, रुपेश जी कोयम्बटूर से लिख रहे हैं, 17 फरवरी 1985 सुबह 10:10 और जामनगर इनका बर्थ डेटा है। ये जानना चाहते हैं कि 3 बार ऐसा हुआ है कि मेरा विवाह तय होकर छूटा है, अब मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, विवाह नहीं करना चाहता हूँ, क्या करूँ। 2019 में दिसंबर से लेकर 2020 अप्रैल के बीच में आपका विवाह हो रहा है, आपको जो कन्या मिलेगी वो ये हो सकता है हाइट में आपसे थोड़ी छोटी हो, लेकिन बहुत अच्छी होंगी, देखने भालने में भी अच्छी होंगी और फाइनेंस संबंधित वो कार्य करती होंगी, तो दिल छोटा मत कीजिए, अपनी राजकुमारी का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। उपाय क्या करना, अश्वगंध की एक जड़ को ग्रे रंग के धागे में अपने गले में शनिवार को पहन लीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और अब परवरिष्ठ, कभी कभी जब बच्चे बाहर जाते हैं तो बहुत परेशान होने लगते हैं,
क्या करें? पहली चीज तो यह है कि बहुत ज्यादा पैंपर नहीं कीजिएगा बच्चों को, क्योंकि जो सुख माता पिता दे सकते हैं या घर दे सकता है, वह सुख दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। लेकिन बच्चों को टफ बनाना जरूरी है, जिससे यदि उनको कम सुख भी मिले तो भी वह मस्त रहे। लेकिन अब यदि ऐसा नहीं है और वो बाहर गए हैं तो क्या करें? एक तो उनसे थोड़ी देर बातचीत कीजिए। कुछ माता पिता दिन भर बातचीत करते रहते हैं, उससे बच्चा और कमजोर हो जाता है। तो थोड़ी देर बातचीत कीजिए और उस बातचीत में भी उत्साह भरिए। फोन रखने के बाद रो लेना, लेकिन फोन पर बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मेरे माता पिता बहुत उत्साहित हैं और मुझसे अपेक्षाएं रखते हैं और मैं भी जमकर अपना कार्य करूंगा। ऐसा उसके अंदर मोटिवेशन भर दीजिएगा। और एक काम ये कि बच्चे को बोलिएगा कि अपनी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा थाली में छोड़ दिया करे, वो किसी कुत्ते को खिला दिया करे, बस ठीक है। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत करें, तरक्की होगी, बाहर भी जा सकते हैं, प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं, सिलेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। बस थोड़ी सी परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर लग रही है। और दूसरी चीज, आपका कोई रिश्ता कमजोर पड़ सकता है, इसलिए बहुत भावुक मत होइएगा नए रिश्ते जोड़ने में। बस सब ठीक है, चिंता ना करें। उपाय के तौर पर एक कार्य करना शुरू कर दीजिए। अपने हाथ से लोगों को रोजाना जल पिलाए, जितने लोगों को आप जल पिला सकते हैं अपने हाथ से जल पिलाया कीजिए। बस देखिएगा तरक्की होगी, आप इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग भी होंगे। ऑल द बेस्ट। मंगल मार्गी हुआ है और ये कुछ बड़े परिवर्तन करेगा। तुला राशि की बात से शुरू करते हैं। तुला राशि का एक अच्छा समय जो चल रहा था, अब थोड़ा सा कमजोर होगा। माता पिता की तरफ से, बहन भाई की तरफ से, मित्रों की तरफ से 6 नवंबर तक परेशानियां बढ़ेंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। साथ ही साथ तुला राशि के वो लोग, यदि उनको कोई हृदय की या रक्त संबंधी कोई व्यथा है, कोई परेशानी है, तो ध्यान रखें। साथ ही साथ वाहन का भी ध्यान रखें, वाहन चलाने में भी ध्यान रखें। खैर, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। उपाय यदि आप करते हैं तो अपने इष्ट का रोजाना जप करें और एक लाल रंग का धागा अपने गले में धारण करें, रोजा ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। यद्यपि मेहनत और संघर्ष बढ़ेगा और मित्रों का सहयोग घटेगा, लेकिन फिर भी आप अपने संघर्ष में कामयाब होंगे, इसलिए जुट जाइए। अब सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं रहा, खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें, लेकिन रिस्क कम से कम लीजिएगा। ये बहुत ध्यान रखना है, 6 नवंबर तक रिस्क बहुत कम लेना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और ये रिस्क किसी भी क्षेत्र में कम लेना है या रिस्क लेना है तो सोच समझ कर लेना है, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। और कोई भी बड़ा निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह के फाइनल मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? बुजुर्गों को रोजाना सुबह अपने हाथ से जल प्रदान कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि मंगलवार को चने और बेसन की मिठाई लोगों में बांटा कीजिए, तो मुझे सब ठीक कर देंगे। धनुराशि, आपके लिए थोड़ी सी समस्या धन को लेकर हो सकती है, परिवार को लेकर हो सकती है। ये जो समय, खास तौर से आगे आने वाले लगभग 35-40 दिनों का जो समय है, कहीं ऐसा ना हो लोग आपसे रुष्ट हो जाएं, आपके रिश्तेदार, आपके कुटुंब के लोग कहीं आपसे नाराज हो। बाकी धन को लेकर एक चीज़ का ध्यान यदि आप रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो ये है कि जो खर्च करें वो बहुत सोच समझ के करें, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे यह सोचकर ही कोई चीज़ खर्च किया, धन अपना खर्च कीजिएगा या कोई चीज़ खरीदिएगा, नहीं तो वहाँ परेशानी होगी, धन वेस्ट हो सकता है। उपाय क्या करना है? ओम अंगार का इनमा का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और हाँ, ज़्यादा परेशानी महसूस करें अगर रिश्तों में, तो रोज़ाना कुत्तों को भोजन देना शुरू कर दीजिएगा 6 नवंबर तक। तो मंगल मार्गी होने से सामान्यतः बेहतर प्रभाव पड़ रहा है, परंतु आज सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोग क्या करेंगे ये मैं अभी बता देता हूं। सिंह राशि, आपको बिजली से बचकर रहना होगा। यदि आप बिजली के उपकरणों से काम कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा।
एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी उधार मत दीजिएगा। भावावेश में कोई निर्णय नहीं लें और उपाय के तौर पर दूध या दूध से बनी चीज का दान अवश्य कर दें। कन्या राशि, ये दिन तो बहुत अच्छा है, मेहनत जरूर थोड़ा ज्यादा कराएगा लेकिन आपके कार्य बनेंगे। बस इतना जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिएगा और किसी को भी धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा। साफ बात कहिएगा जिसे कहनी हो। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन बड़े भाई बहनों से अच्छे से संबंध बना के रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करें फिर अपने काम पर जुटें और सब ठीक है। तुला राशि, ये वक्त आपके लिए ठीक है, मेहनत करके अपना दिन आगे बढ़ाइए, धैर्य थोड़ा रखिएगा और माँ और मित्रों से अच्छे से बना कर रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है, जिन लोगों को कमर हृदय रक्त संबंधी व्याधि है वो थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, अपने इष्ट को लाल पुष्प भेंट करें, उनका ध्यान करें फिर अपने काम पर जुटें वो सब ठीक करें। वृश्चिक राशि, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे आप लेकिन दोपहर के बाद, बड़े कार्य दोपहर के बाद ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतें, यदि आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत अलर्ट रह के वाहन चलाएं और यदि आप सड़क पार कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें। यदि आप धारदार चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो भी थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, मसूर की दाल का दान जरूर कर दें, लाल वाली। आइए अब जानते हैं मंगल के मार्गी होने से मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहली चीज़ जो आएगी वो ये आएगी कि आपकी सोच बेहतर होगी, आपके निर्णय बेहतर होंगे और आपके निर्णयों में किसी की मदद मिलेगी। लेकिन सर पर चोट ना लगे इस बात का एक तो ध्यान रखिएगा और दूसरी चीज़ ये है कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा और कोई रिश्ता विवाह संबंधी खासतौर से कोई रिश्ता अपने आप मत जोड़िएगा, उससे नुकसान आपको होगा। उपाय क्या करना है, 6 नवंबर तक आप रोजाना मछलियों को दाना दे दीजिए बस, और देखिएगा तरक्की आपकी जरूर होगी। कुंभ राशि, आपके लिए खर्चे से बचने का समय है, पैसों को जोड़ने का समय। 6 नवंबर तक आपके द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम धन बचाने में आपकी मदद करेंगे, धन बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, शरीर कमज़ोर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ख़ासतौर से वो लोग जिनको सर आँख की और ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो अपने परहेज़ अच्छे से करें। कोई परेशानी महसूस करें तो तुरंत चिकित्सा सलाह लीजिएगा। बाकी एक उपाय कर लीजिए, उपाय क्या है, लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में घर के किसी बुजुर्ग के हाथ से बनवा लीजिए और अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, लाभ तो मिलेगा 6 नवंबर तक, ये तो तय है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय 6 नवंबर तक अच्छा है, ये भी तय है, लेकिन रुक रुक के आपका काम होगा इसलिए आपको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात धैर्य रखिएगा और दूसरी चीज़ आंख मूंद कर यदि आपने किसी पर विश्वास करके उसे काम या धन सौंप दिया तो समझिए नुकसान उठाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, बड़े भाई बहनों से संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ख़ासतौर से ये जो अभी 20-25 दिन का समय है इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, संबंध खराब ना हो 20-22 सितंबर तक ध्यान रख लें। और एक उपाय कर लें, और उपाय आपको जो करना है वो ये है, एक मीठी रोटी सुबह सुबह बनाएं और फिर उसे अच्छे से मसल लें और चिड़ियों को डाल दीजिएगा, पानी भी वहाँ रख दीजिएगा, आराम से सब बुरा समय कट जाएगा, लाभ भी देगा। चलिए फटाफट जानते हैं दिन के शुभ अशुभ समय। अशुभ समय नोट कीजिए, धूमुहूर्त समय रहेगा सुबह 8:33 से सुबह 9:24 तक और रात में 11:14 से लेकर 11:59 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर में 12:22 से लेकर 1:57 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:11 से लेकर 10:46 तक और राहु काल रहेगा दोपहर में 3:32 से लेकर 5:08 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से लेकर 12:47 तक और अमृत काल आपको मिलेगा सुबह 8:27 से लेकर 10:12 तक। इस अनुसार अपने दिन को प्लान कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करें। अब फटाफट हम जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का आज का हाल। धनु राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, बड़े निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा और मित्रों से और बड़े भाई बहनों से बनाकर चलिएगा। सावधानी एक जरूर रखनी है, इस दिन किसी को धन मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, चावल और हल्दी का दान अवश्य करें।
मकर राशि, अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है और हो सकता है उस यात्रा का बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारिएगा, कुछ अच्छा छुपा होगा आज के किए गए कार्यों में। सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाना है, दौड़ते भागते ऊपर नीचे चढ़ते उतरते थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटिए। कुंभ राशि, यह दिन रोग कारक है, इसलिए अपने शरीर को रोगों से बचाने के लिए सुपाच्य भोजन कीजिएगा, अच्छा भोजन कीजिएगा और बहुत ज्यादा ठंड से बचिएगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन किसी को धन उधार नहीं देना है। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, सफेद वस्त्र का दान जरूर कर दीजिएगा, ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है और किसी को भी कर दीजिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, भावनाएं बहेंगी, विचार बहकेंगे, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं हो रहा इसलिए चिंता मत कीजिएगा, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, प्रतिष्ठा पर आंच ना आए, ऐसा आप किसी से बोलिएगा कि वो आपकी इज्जत करे। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में धारण करके अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। और अब वो विचार जो आपको जीने की राह देगा। आज मैं गुरु नानक जी का एक आदेश आप तक पहुंचाता हूं। गुरु नानक जी कहते हैं कि व्यक्ति को मेहनत और ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए और उसका कुछ अंश जरूरतमंदों को अवश्य देना चाहिए। कितना सुंदर विचार है, हमारे धर्म में ही देखिए समाजवाद छुपा हुआ है, सबका भला हो, सब लोग विकास करें, आगे बढ़ें, सब लोग एक दूसरे की मदद करते रहें, खुश होते रहें, सबका सौभाग्य होगा। चलता हूं, मंगल मार्गी होने से अच्छा हुआ है, इसका कटुपन कम हुआ है, इसका प्रभाव समाज में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। आपको आपकी राशि के जो उपाय मैंने बताए हैं इसे आप बहुत सीरियसली करेंगे ऐसी मेरी कामना है। चलो, आपको प्रभु बहुत सारी खुशियां दें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।